हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे टेक समून चैनल में। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप पे फुल डीपी लगाना, अपनी कोई भी फोटो आप फुल साइज में लगाना चाहते हैं और आप लगा नहीं पाते हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप कैसे फुल डीपी फुल फोटो आप अपना कैसे आप लगा सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जान लेते हैं कैसे फुल डीपी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर लो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस करके ऑल पे सेट कर ले, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए जान लेते हैं कैसे व्हाट्सएप पे फुल डीपी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना व्हाट्सएप यहाँ पे ओपन कर लीजिए, और ओपन करने के बाद आप ऊपर देखेंगे आपको साइड में थ्री डॉट यहाँ पे देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और आप जब सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको जो आपके यहाँ पे प्रोफाइल है उसको आप लगाना चाहते हैं फुल साइज में, तो आप कैसे लगा सकते हैं। तो आप अपनी प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक करना है आपको, और उसके बाद आपको यहाँ पे पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको अपनी गैलरी पे क्लिक करना है। अब गैलरी पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे कोई भी अपना एक फ़ोटो यहाँ पे हम अपना सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ से अपना ये वाला फ़ोटो ले लेते हैं, और उसके बाद इसको हम यहाँ से आप देख सकते हैं हम इसको लगाना चाहते हैं, लेकिन फुल साइज में फ़ोटो नहीं लग पा रहा है ये। तो हमें यहाँ पे फुल साइज में लगाने के लिए क्या करना होगा, तो हमें सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में जाने के बाद हमें यहाँ पे एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है व्हाट्स क्रॉप। तो आपको यहाँ पे प्ले स्टोर में जाके यहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप करना है व्हाट्स क्रॉप। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड व इंस्टॉल कर लेना है, तो मैंने ऑलरेडी इसको कर रखा है, और इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। और जब आप ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज खुल के आता है, तो आप जो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे देख रहे होंगे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, सिलेक्ट फ़ोटो और टेक फ़ोटो। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट फ़ोटो पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो सेटिंग पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। मेरे पास परमिशन का ऑप्शन आ रहा है, हो सकता है आप कोई और फ़ोन यूज कर रहे हो तो आपके पास ऐप परमिशन का ऑप्शन भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके पास ऐप परमिशन का ऑप्शन आता है तो आप ऐप परमिशन पे क्लिक करना, अगर आपके पास परमिशन का ऑप्शन आता है तो आपको परमिशन पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर परमिशन पर क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर हमें स्टोरेज पर आप क्लिक करना है, और उसके बाद इसको अलाउ कर देना है। और यहाँ पे इसको अलाउ करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो आपको इमेज का ऑप्शन मिलता है आपको यहीं पे क्लिक करना है, और सिलेक्ट फ़ोटो पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको ये अपना एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लीजिए कि आप फुल साइज में लगाना चाहते हैं, वो एक फ़ोटो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। और हम अपना फ़ोटो यहाँ से ले लेते हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं हम इसको यहाँ पे ऐसे करके सेट कर लेते हैं। ठीक है, और आपको फिर दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन मिलता है क्रॉप वाला, आपको यहाँ पे क्लिक करना, और यहाँ से आपको फिट टू स्क्वायर पे आपको क्लिक करना है। तो हमारा जो यहाँ पे फ़ोटो है वो यहाँ पे फिट हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फ़ोटो यहाँ पे फिट हो गया है। और उसके बाद आपको जो लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे प्रोसेसर हो गया है, और यहाँ पे हमारा जो इमेज है वो यहाँ पे लग चुका है, वो भी फुल डीपी में आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप पे फुल डीपी में अपना कोई भी प्रोफाइल फ़ोटो लगा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।